नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था? तो कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ठीक। और यह एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक बनने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था, ठीक। और उस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, और 3 ठिकाने को हम नकुल शब्द से याद कर सकते हैं। नकुल, न से निमराणा, कु से कुशलगढ़ और ल से लावा। लावा पहले जयपुर में था और वर्तमान में टोंक में पड़ता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और निमराणा अलवर में, ठीक है। और राजस्थान में तो 19 रियासतें थी, और उस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1947 में रियासती विभाग का गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सरदार पटेल, और इनको उनके जो सचिव थे वो बनाए गए थे वीपी मेनन। उनके प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण यानी कि पूरे भारत का एकीकरण हुआ था, और इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक। दोस्तों, रियासती विभाग के द्वारा दो शर्तें रेख बनाई गई थी। पहली शर्त थी कि राजस्थान की जनसंख्या यानी कि किसी भी जो जो रियासत है उसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। वो रियासत ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। जो रियासत ये शर्तें पूरी नहीं करती है, उन रियासतों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह सकती, और ये भारत में मिलेंगी, ठीक है। तो उस समय ये जो शर्तें थी वो पूरी करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें थी जो उस समय ये शर्तें पूरी करती थी। लेकिन धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, ये वो रियासतें हैं जो आज़ाद रहना चाहती थी, लेकिन क्या था कि ये शर्तें पूरी नहीं करती थी। ये शर्तों उस जो आज़ाद रहना चाहती थी उसमें से सिर्फ जोधपुर ही एकमात्र रियासत थी जो ये शर्तें पूरी करती थी, ठीक है। और बांसवाड़ा के एक शासक हुए थे जिसका नाम है चंद्रवीर सिंह। इन्होंने इन्होंने कहा था कि एकीकरण जब हुआ था उस समय उन्होंने कहा था कि जो विलय पत्र था एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, तो उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था? बांसवाड़ा के चंद्रवर सिंह ने, ठीक है। आगे, और उस समय दो जाट रियासत थी। दो जाट रियासतें कौन सी? भरतपुर और धौलपुर, ठीक। और एक मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत थी टोंक वाली, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण के जो 7 चरण कौन कौन से थे, ठीक। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि 7 चरण थे उनकी डेट कैसी थी। उनकी डेट याद रखने की ट्रिक है 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। फिर से एक बार, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56, ठीक है। ऐसे याद करना आपको, 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। और इनकी जो दिनांक थी, डेट याद रखनी है, दिनांक दिनांक आएगा, स्टार्ट करना हमें 18 मार्च से। 18 मार्च से एक हफ्ते बाद, 18 मार्च से एक हफ्ते बाद 25 मार्च, और 1948 ही है तो आगे एक महीने बाद हो जाएगा 18 अप्रैल, यानी कि 18 25 18। हमको मुख्य रूप से ये दो डेट याद रखनी है, 30 मार्च और 15 मई। 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान की, और 15 मई 1949 संयुक्त वृहद राजस्थान की, क्योंकि हमें 26 जनवरी 1950 सबको याद है, 1 नवंबर 1956 सबको याद है, और आगे वाले तो याद हो ही जाएगा, 18 25 18 एक ही सन है, तो 18 मार्च 25 मार्च और 18 अप्रैल, ठीक है। दोस्तों, उस समय हमें ध्यान रखना है कि ये जो रियासती विभाग जो चरण थे उनके नाम थे, एक तो नाम था मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान, ठीक। तो उस समय जो जो संघ बनाए गए थे उनके जो उद्घाटनकर्ता कौन थे, ठीक है। तो उद्घाटनकर्ता को हम याद रख सकते हैं, ऐसे बोलो, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। यानी कि मत्स्य संघ के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे एनवी गोडगिल,
पूर्वी राजस्थान के भी एनवी गोडगिल। संयुक्त राजस्थान के जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे? चाचा चाचा यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक, और पटेल सरदार पटेल, ठीक, ये हो गए उनके उद्घाटनकर्ता। कैसे? गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, ठीक। अब उनके याद करते हैं प्रधानमंत्री, ये जो चार चरण थे उनके जो प्रधानमंत्री कौन कौन थे, तो प्रधानमंत्री को हम बोल सकते हैं कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो कुमावत असामा वर्मा शास्त्री, वैसे पहले हो जाएंगे शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, ये क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री, ठीक। तो कैसे याद करिए? कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो संघ है, मत्स्य संघ है, पूर्वी राजस्थान है, उनमें उनमें कौन कौन से जिले थे, ये कैसे कैसे मिले, ठीक है। अब देखते हैं कि राजस्थान की रियासतें इन संघों में, यानी कि मत्स्य संघ, पूर्वी संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान में कैसे कैसे मिली, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत थी। तो मत्स्य संघ में रियासतें थी ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें एक ठिकाना मिला था नीमराणा। दोस्तों जो रियासत जिस ठिकाने से संबंधित है वो रियासत जब मिलेगी उसके साथ ही वही ठिकाना मिलाया जाएगा, ठीक है। तो पहले है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की ट्रिक है ए बी सी डी। ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर, ठीक। अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर किस में मिले थे? मत्स्य संघ में। तो मत्स्य संघ की ट्रिक क्या जाएगी? ए बी सी डी, ठीक। अगला है पूर्वी राजस्थान। दोस्तों पूर्वी राजस्थान की ट्रिक है बाबू शाह की जाड़ू को पटक, जो बाबू शाह है उनकी जाड़ू को क्या है? पटकना है, बाबू शाह की जाड़ू को पटक, ठीक। तो दोस्तों बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बाबू, बू से क्या हो जाएगा? बूंदी, ठीक। शाह से हो जाएगा शाहपुरा, की से हो जाएगा किशनगढ़, किशनगढ़ कहाँ पे? अजमेर में, ठीक। जा से हो जाएगा झालावाड़ और डू से हो जाएगा डूंगरपुर, को से कोटा, प से प्रतापगढ़, ठीक, और पटक, प से प्रतापगढ़, ट से टोंक और क से टोंक हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं संयुक्त राजस्थान। दोस्तों जो जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में जब उदयपुर मिल जाएगा, जो पूर्वी राजस्थान है उसमें जो उदयपुर मिल जाएगा, तब उससे जो बनेगा उसको बोलते हैं हम संयुक्त राजस्थान, ठीक। जो पूर्वी राजस्थान है उसमें उदयपुर मिलाने पर जो तीसरा चरण बनेगा वो है संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। अगला वृहद राजस्थान। दोस्तों वृहद राजस्थान जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें इनको याद कर सकते हैं ट्रिपल जे बी, ट्रिपल जे बी कौन कौन सी? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये चार बड़ी रियासतें थी। तो चार बड़ी क्षेत्र यानी कि बड़ा क्षेत्र मिला तो उसको नाम क्या दिया गया? वृहद राजस्थान। उसको क्या नाम दिया गया था? वृहद राजस्थान। ये कौन सा चरण था? चौथा चरण, ठीक है। और दोस्तों जब 1 + 4, 1 + 4 कितने होते हैं? 5, यानी कि पाँचवा चरण हो जाएगा। पाँचवा चरण का नाम क्या पड़ेगा? संयुक्त वृहद। क्यों? पहला पहला चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जब वृहद राजस्थान में मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहद। याद करना है मत्स्य संघ जब संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलेगा तो वो बन जाएगा संयुक्त वृहद, यानी कि 1 + 4 कितना होता है? पाँचवा। पहला चरण चौथे चरण में मिलेगा तो बनेगा पाँचवा चरण, उसका नाम क्या पड़ेगा? संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है। सिक्स चरण, सिक्स चरण में है दोस्तों जो वृहद राजस्थान है उसमें मिलेगा सिरोही, सिरोही के मिल जाने से छठा चरण बनेगा, उसका नाम क्या पड़ा? राजस्थान संघ। और अंतिम रूप से 1 नवंबर 1956 में राजस्थान जो बना था जिसमें ये सभी संघ, व उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा, सुनील टप्पा एमपी का जो क्षेत्र था वो राजस्थान को मिलता है, और राजस्थान के जो झालावाड़ जिला है उसका जो सिरोंज क्षेत्र है वो किसको दिया जाता है? एमपी को। ये जो सिरोंज क्षेत्र है वो एमपी को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ये हो गए ऐसे सात चरणों की ट्रिक है। और अब उसमें होते हैं दोस्तों जो चार चरण थे, मुख्य चार चरण थे उसमें थे राजप्रमुख बनाए गए थे। तो राजप्रमुखों की ट्रिक हम याद कर सकते हैं। उदय भीम भोपाल मानसिंह से मिलने गए, उदय भीम भोपाल मानसिंह से मिलने गए। दोस्तों उदयभान थे वो धौलपुर के शासक थे, ठीक। उनको मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था। इसके बाद भीम सिंह, भीम सिंह थे कोटा के,
उन्हें पूर्वी राजस्थान यानी कि बा था उसमें से उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। भोपाल सिंह, भोपाल सिंह उदयपुर, भोपाल सिंह कौन से थे तीसरे चरण में जो राज प्रमुख थे वो कौन से, भोपाल सिंह कहाँ के थे, उदयपुर के थे। चौथा चरण वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान के जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो बनाए गए थे मानसिंह। दोस्तों मानसिंह को जब राज प्रमुख बनाया गया तो जो भोपाल सिंह थे जो पहले राज प्रमुख थे उनको महाराज प्रमुख बनाया गया, ठीक। और महाराज प्रमुख ये राजस्थान के एकमात्र व अंतिम थे, ठीक है। और यह पद 1956 में समाप्त कर दिया जाता है। इन्हें भोपाल सिंह थे, भोपाल सिंह को कैसा बनाया गया था, महाराज प्रमुख आजीवन यानी कि यही रहेंगे, आजीवन यही रहेंगे। इनकी मृत्यु के बाद यह पद समाप्त हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।